नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूँ अरुण दुबे। नहमा गहमी के बीच हुआ कोटे की दुकान का चयन। जी हाँ, कुशीनगर के दुदही अंतर्गत जंगल लुआठा में ओम प्रकाश गुप्ता की राशन की दुकान निरस्त होने के बाद रिक्त चल रही थी, जिसका चयन 22/12/2020 को होना था। आदेशानुसार दुदही के ADO AG ओम प्रकाश सिंह, प्रधान प्रतिनिधि हरिकेश खरवार तथा बिशुनपुरा SI BK गुप्ता तथा उनके हमराही के देखरेख में कोटे की चयन गहमा गहमी के बीच की स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष रीता कुशवाहा, रमावती रीता के द्वारा ग्राम की खुली बैठक में निर्मा देवी को कोटेदार चयन किया गया तथा चयनित अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नियमानुसार इस कोटे के चयन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों से पूछने पर उनके द्वारा भी बताया गया कि हमें उम्मीद है कि ये राशन की दुकान अच्छे से चलाएंगी, साथ ही सभी को उचित राशन भी मिलेगा। किस तरह से आपको कोटा मतलब दिया गया? किसान सहायता समूह के अंतर्गत हमको उचित करके चुना गया है। वहाँ पर हमारे अधिकारी जो हैं वो आए। कोटेदार का क्या नाम है जो नियुक्त हुई है? निर्मा देवी और चंद्रमोहन गुप्ता। कौन नियुक्त किया है? सेक्रेटरी और ADO साहब। किस ग्राम सभा से आप? जंगल लुआठा। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन गुप्ता। घर कहाँ है? जंगल लुआठा। थाना कहाँ है? बिशुनपुरा। जनपद कुशीनगर। ठीक। जंगल लुआठा में राशन की दुकान के लिए वरीयता के आधार पर आवेदन जो है स्वीकृत किया गया, जिसमें 4 स्वयं सहायता समूह का जो है कि आवेदन आया था, जिसमें किसान महिला स्वयं सहायता समूह जंगल लुआठा का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इस तरह से किसको मतलब प्रधान बनाया गया? ये रीता देवी जो है कि उसकी अध्यक्ष हैं उस स्वयं सहायता समूह की, सचिव को साथ सहायक विकास अधिकारी कृषि। चलो, आपका नाम? ओम प्रकाश सिंह, सहायक विकास अधिकारी कृषि। जो कोटेदार आज नियुक्त की गई है निर्मा जी, क्या आपको सही से राशन प्राप्त कराएंगी कि नहीं कराएंगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस बारे में हम सही कहना चाहते हैं कि वो बढ़िया से कोटा बांटेंगे और बढ़िया से हम लोग को कोटा देंगे, हम लोग सब राजी हैं। आप लोग खुश हैं? हम लोग खुश हैं। घर कहाँ है? घर जंगल लुआठा। क्या नाम है आपका? दिवाकर खरवार।